प्रीत बिहार इलाके के मशहूर ज्वेलरी शोरूम मालिक से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय के रूप में हुई है। अजय पीड़ित के ज्वेलरी शॉप में काम किया करता था, लेकिन उसका प्रेम संबंध ज्वेलरी शॉप की स्टोर इंचार्ज से हो गया, जिसका पता जब शॉप मालिक को हुआ तो उन्होंने अजय को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ज्वेलरी शॉप मालिक ने महिला को दोबारा नौकरी पर लगा लिया। अजय ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसे शक था कि शोरूम मालिक का महिला से अवैध संबंध है, जिसकी महिला से उसे दोबारा नौकरी दे दी। इसी का बदला लेने के लिए उसने ज्वेलरी शोरूम मालिक से फिरौती वसूलने की साजिश रची। 4 तारीख को हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी एक ज्वेलर से, जिसमें इस तरह का कंप्लेंट था कि उनको 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई है। इस केस में हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इनके पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिटेल्स वगैरह जब निकाले गए तो पता चला एक एम्प्लॉय उसको कुछ समय पहले यहाँ से निकाल दिया गया था, तो हमारा शक उसी एम्प्लॉय पर था। उसके बाद जो उनका कॉन्डक्ट रहा वो बड़ा सस्पिशियस रहा, उसके बेसिस पर और जो इसमें एक ऑटो के थ्रू ये जो एक्सटॉर्शन नोट है एक ऑटो ड्राइवर के थ्रू डिलीवर किया गया था, तो वहाँ से ऑटो ड्राइवर से भी ऑटो हम लोकेट हमने कर लिया था और ऑटो ड्राइवर से पूछताछ में भी हमें जो एक्यूज है उसका हुलिया पता चल गया था। उसकी कोई दुश्मनी थी उसे, क्या उसको निकाला? इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह की बात आ रही है कि ये एक कोई महिला एम्प्लॉय थी, उनके साथ ये जो एक्यूज हैं हमारे इनका कोई रिलेशनशिप था और उनको जो ज्वेलर हैं जिन जो इस केस में विक्टिम रहे हैं उनका भी उस महिला के साथ कोई रिलेशनशिप होने का इनको शक था, तो उसको सबक सिखाने के लिए इन्होंने इस तरह का लेटर लिखा। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अजय ऑटो लेकर शोरूम पहुंचा और ऑटो चालक को धमकी भरा लेटर देकर शोरूम गार्ड को देने को कहा। खुद को चोट लगे होने का बहाना बनाया। शिकायत के बाद मामले की जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।